वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेंटिलेटर के बारे में कि एक्चुअल में भाई वेंटिलेटर क्या होता है, वेंटिलेटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं और वेंटिलेटर कितने टाइप्स का होता है। इसके साथ साथ एक पेशेंट की वेंटिलेटर पर केयर कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वेंटिलेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई वेंटिलेटर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है एक वेंटिलेटर जो कि आपने हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में देखा ही होगा। ठीक है, ये जो वेंटिलेटर होता है ये एक मेडिकल डिवाइस होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई ये वेंटिलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। इट डिलीवर्स कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर ऑक्सीजन टू द लंग्स सपोर्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन इन वेरियस मेडिकल सिचुएशन सच एज क्रिटिकल इलनेस, सर्जरी और रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ पर जो वेंटिलेटर होता है ये क्या करता है, डिलीवर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन टू द लंग्स। तो भाई जो वेंटिलेटर होता है ये हमारे लंग्स को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में एयर और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा वेंटिलेटर होता है इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें टाइडल वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं और रिस्पिरेटरी रेट को इसमें सेट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम सेट करके एक कंट्रोल्ड अमाउंट में एयर और ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वेंटिलेटर होता है ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है जो हमारे लंग्स को कंट्रोल्ड अमाउंट में एयर और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ सपोर्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो यहाँ पर जो वेंटिलेटर होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है वेरियस मेडिकल सिचुएशन में, जैसे कि कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई। ठीक है, क्रिटिकल इलनेस जैसे कि सीवियर COPD हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया या फिर कोई सीवियर ट्रॉमा हो गया, तो इन कंडीशंस में जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ वेंटिलेटर जो है सर्जरी में भी यूज होता है, आफ्टर सर्जरी। ये कोई मान लीजिए कोई हार्ट की सर्जरी हुई, कोई लंग्स की सर्जरी हुई, ठीक है, या फिर कोई ब्रेन की सर्जरी हुई हो, तब इस कंडीशंस में भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो वेंटिलेटर होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है वेरियस मेडिकल सिचुएशंस में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ वेंटिलेटर कि भाई जो वेंटिलेटर होता है इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेशन है वेंटिलेटर का वो है आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। जो रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें जो है वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, या फिर जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के पेशेंट होते हैं उनमें भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सीओपीडी का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, कोई अगर सीवियर सीओपीडी का पेशेंट है तो उसमें भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस लाइक ट्रॉमा, ठीक है, या फिर सीवियर निमोनिया, कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इंडिकेशन वो है सर्जरी। सर्जरी के कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई ब्रेन की सर्जरी हुई, कोई हार्ट की सर्जरी हुई, कोई लंग्स की सर्जरी हुई, ठीक है, या फिर एब्डोमेन सर्जरी हुई, तो इन कंडीशंस में भी जो है वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर है, मान लीजिए मायस्थेनिया ग्रेविस है, तो न्यूरोमास्कुलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो वीक हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स के वीक होने की वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता है या फिर सांस लेने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, तब भी जो है वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। या फिर पेशेंट अगर कोई कॉमा या फिर अनकॉन्शियस है तब भी जो है वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ड्रग ओवरडोज और पॉइजनिंग। तो ड्रग ओवरडोज और पॉइजनिंग के कंडीशन में भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब भी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है,
ठीक है, या फिर कोई कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट की प्रॉब्लम है, तो इन कंडीशंस में वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जितनी सारी कंडीशंस हैं इनमें पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके वेंटिलेटर के इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स की, कि भाई जो वेंटिलेटर होता है कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर के टाइप्स हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं कि भाई जो वेंटिलेटर होता है कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर जो वेंटिलेटर होता है आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स होते हैं ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर आपको देखने को मिलेंगे हॉस्पिटल में। मोस्ट कॉमनली जो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो वेंटिलेटर होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर वेंटिलेटर और सेकेंड आपको निगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। तो ये दो टाइप के वेंटिलेटर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के बारे में, कि भाई पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का, वो है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में सी पैप बोलते हैं। आपने हो सकता है कई बार नाम सुना होगा सी पैप। तो सी पैप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब समझते हैं कि सी पैप क्या होता है। प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर थ्रू आउट द ब्रीथिंग साइकिल टू हेल्प कीप एयर वे ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी पैप होता है ये एक कॉन्स्टेंट लेवल में एयर प्रेशर प्रोवाइड करता है। जो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर यानी कि जो सी पैप होता है, ये पेशेंट को कंस्टेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर प्रोवाइड करता है। मतलब जो पेशेंट है वो अगर सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है, तब उस कंडीशन में सी पैप का यूज़ किया जाता है। ये क्या कहाँ हेल्प करता है, ब्रीथिंग साइकिल टू हेल्प कीप एयर वे ओपन। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब उसमें क्या होता है एयर वे क्लोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तब जो है सी पैप का यूज़ किया जाता है। जो सी पैप होता है ये एक कांस्टेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर, जो एयर का प्रेशर होता है एक कांस्टेंट लेवल में होता है। ठीक है, मतलब उसमें प्रेशर जो होता है सेट कर दिया जाता है, उसी प्रेशर में लंग्स को एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट लेवल एयर वे प्रेशर होता है ये ब्रीथिंग साइकिल में हेल्प करता है, और जब ब्रीथिंग साइकिल प्रॉपर होगी तब तो उसकी वजह से जो एयर वे है पेशेंट का वो ओपन रहता है। ठीक है, तो ये होता है सी पैप। जैसा कि इमेज में भी देख सकते हो कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है जो पेशेंट को यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का टाइप है वो है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसको शॉर्ट में बाईपैप बोलते हैं। ठीक है, जो बाईपैप होता है ये क्या होता है, डिलीवर्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर, वन फॉर इन्हेलेशन एंड ए लोअर वन फॉर एक्सहेलेशन, असिस्टिंग इंडिविजुअल्स विद रिस्पिरेटरी कंडीशन। तो भाई जो बाईपैप होता है, ठीक है, बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर होता है, ये भी एक टाइप की मशीन होती है, ये भी एक टाइप का वेंटिलेटर होता है। ये क्या करता है, डिलीवर टू डिफरेंट लेवल ऑफ एयर वे प्रेशर, मतलब जो इसमें एयर वे का जो प्रेशर होता है, जो एयर का प्रेशर होता है वो टू टाइप का होता है, दोनों डिफरेंट होता है। वन फॉर इन्हेलेशन, ठीक है, एक प्रेशर होता है जो पेशेंट के इन्हेलेशन एयर को इन्हेल करने में हेल्प करता है, और सेकंड टाइप का जो एयर प्रेशर होता है वो लोअर वन फॉर एक्सहेलेशन, मतलब जो सेकंड टाइप का जो प्रेशर होता है वो एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, मतलब एयर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो बाईपैप होता है ये टू डिफरेंट लेवल्स का एयर वे प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक तो इन्हेलेशन में हेल्प करता है पेशेंट के, और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉजिटिव एयर वे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का टाइप है वो है वॉल्यूम साइकल्ड वेंटिलेटर। तो वॉल्यूम साइकल्ड वेंटिलेटर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, डिलीवर ए सेट टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर विद ईच ब्रीथ, इंश्योरिंग ए कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एयर इज डिलीवर्ड टू द लंग्स। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम साइकल्ड वेंटिलेटर होते हैं ये इनमें क्या होता है, एक टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया जाता है, मतलब जितना अमाउंट में
पेशेंट को एयर की ज़रूरत होती है वो जो होता है एक टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वो एयर जो पेशेंट को एक्सहेल और इनहेल करने में रिक्वायरमेंट होती है जितना वॉल्यूम वो उसका टाइडल वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर में क्या होता है, पेशेंट में एक टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया जाता है एयर का, उतनी ही टाइडल वॉल्यूम में जो एयर है वो पेशेंट को डिलीवर होती है ईच ब्रीथ में। ठीक है, हर एक ब्रीथ में उतनी ही टाइडल वॉल्यूम में एयर पेशेंट को डिलीवर होती है। तो ये होता है वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर। प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर में क्या होता है, प्रोवाइड वेंटिलेशन अंटिल ए प्रीसेट एयरवे प्रेशर इज रीच्ड अलाउिंग फॉर मोर कंट्रोल ओवर प्रेशर लेवल्स ऑफ प्रेशर लेवल्स ऑफ ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल। तो प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर में क्या होता है कि ये जो मशीन होती है, ये जो वेंटिलेटर होता है, ये प्रीसेट एयर वे प्रेशर प्रोवाइड करता है। मतलब जितना अमाउंट में पहले उसको सेट किया गया था उसका टाइडल वॉल्यूम, उतने ही प्रेशर तक की जो वेंटिलेशन है वो प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें क्या होता है, अलाउिंग फॉर मोर कंट्रोल ओवर प्रेशर, इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है टाइप्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका आयरन लंग या फिर टैंक वेंटिलेटर। ये जो एक्चुअली जो आयरन लंग है ये एक ओल्ड टाइप का है। ठीक है, एन ओल्डर डिजाइन, ये ओल्डर डिजाइन का होता है। इट इन केसेस द पेशेंट्स बॉडी इन सिलिंड्रिकल चेम्बर एंड चेंजेस इन प्रेशर असिस्टिंग ब्रीथिंग। तो इसमें क्या होता है, लंग आयरन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो एक सिलिंड्रिकल चेम्बर में पेशेंट को रख दिया जाता है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर पेशेंट को सिलिंड्रिकल चेम्बर जो आपको दिखाई दे रहा है मशीन में, इसमें पेशेंट को रख दिया जाता है। उसके बाद बॉडी का जो प्रेशर है वो चेंज किया जाता है, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये होता है आयरन लंग या फिर टैंक वेंटिलेटर। सेकंड यहाँ पर जो है वो है क्यूरेसेस वेंटिलेटर। क्यूरेसेस वेंटिलेटर में क्या होता है, दिस डिवाइसेस यूजेस ए रिजिड सेल कवरिंग द चेस्ट एंड एब्डोमेन टू क्रिएट नेगेटिव प्रेशर एडिंग इनहेलेशन। तो क्यूरेसेस वेंटिलेटर में क्या होता है, ये एक टाइप की डिवाइस होती है। ये क्या करती है, रिजिड सेल कवरिंग जो चेस्ट और एब्डोमेन होता है उसमें जो रिजिड सेल कवरिंग होती है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो चेस्ट और एब्डोमेन की में जो रिजिड कवरिंग सेल्स होती हैं उनको कवर कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो इनहेलेशन में पेशेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ये थे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर, कि भाई जो एक पेशेंट है वेंटिलेटर पे जो है उसकी केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है वो है मॉनिटर वाइटल साइन। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसके वाइटल साइंस को रेगुलरली मॉनिटर करना है। ठीक है, रेगुलरली चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। तो अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो रेगुलरली उसके वाइटल साइंस को चेक और रिकॉर्ड करना है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी रेट और पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड क्या करना है, वेंटिलेटर सेटिंग। तो भाई वेंटिलेटर की सेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वेंटिलेटर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको डॉक्टर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। ठीक है, इंश्योर करेक्ट वेंटिलेटर सेटिंग बेस्ड ऑन द पेशेंट कंडीशन। जिस हिसाब की पेशेंट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वेंटिलेटर को सेट किया जाता है। मॉनिटर एंड एडजस्ट पैरामीटर सच एज टाइडल वॉल्यूम, रिस्पिरेटरी रेट, पॉजिटिव इंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, तो वेंटिलेटर के अंदर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, रिस्पिरेटरी रेट और पी प्रेशर, ये सारा कुछ जो है सेट करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सक्शनिंग, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसमें सक्शनिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। परफॉर्म ओरल एंड एयरवे सक्शनिंग एज नीडेड टू मेंटेन एयरवे क्लियरेंस। तो भाई एयरवे को क्लियर करने के लिए, एयरवे को क्लियरेंस करने के लिए जो है सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सक्शनिंग
पेशेंट की ओरल ओरल जो है सक्शनिंग भी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्या है, पोजिशनिंग। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसकी पोजिशनिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। रोटेट एंड पोजिशन द पेशेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को जो है रोटेट करते रहना है और एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना है, जिससे पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं। जैसे कि प्रेशर सोर है, ठीक है, इम्प्रूव वेंटिलेशन, पेशेंट का वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा। प्रेशर सोर से प्रिवेंट करने के लिए रोटेशन और पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो उसका न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी की भी ज़रूरत होती है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑफन थ्रू इंटरनल और पेरेंटल फीडिंग टू सपोर्ट द पेशेंट एनर्जी नीड। तो भाई यहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट में पेशेंट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि इंटरनल। इंटरनल का मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, या फिर ओरली, या फिर पेरेंटल की बात करें तो आईवी इन्फ्यूज़न, ठीक है, आईवी पंप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो भाई मेडिकेशन का भी मैनेजमेंट करना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इंक्लूड सेडेटिव, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स एज डायरेक्टेड। जो भी फिजिशियन, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशंस, उसको जो है टाइमली पेशेंट को मेडिकेशन भी एडमिनिस्टर करना है। जैसे कि सेडेटिव हो सकती हैं, या फिर एनाल्जेसिक्स हो सकती हैं, या फिर कोई एंटीबायोटिक मेडिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर पेशेंट का वेंटिलेटर पे केयर प्रोवाइड की जा रही है तो उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन भी कंट्रोल करना है। स्ट्रिक्टली अधेयर टू इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एंड अदर इन्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली जो है जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको फॉलो करना है, जिससे जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक निमोनिया या फिर अदर इन्फेक्शंस, तो उसको भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल रिहैबिलिटेशन। फिजिकल रिहैबिलिटेशन भी क्या है भाई, इनिशिएट अर्ली मोबिलाइजेशन एंड फिजिकल थेरेपी टू प्रिवेंट मसल एट्रॉपी एंड इम्प्रूव ओवर आर पेशेंट आउटकम। तो फिजिकल जो रिहैबिलिटेशन होता है, जो फिजिकल थेरेपी पेशेंट की होती है, ये पेशेंट के ओवरऑल जो आउटकम होता है उसको इम्प्रूव करता है। जैसे कि पेशेंट की मोबिलाइजेशन है, पेशेंट के हर बॉडी पार्ट को मूव करना है, ठीक है, उसको फिजिकल थेरेपी देना है, तो इससे क्या होता है, मसल स्ट्रॉफी प्रिवेंट होगी और जो ओवरऑल पेशेंट का आउटकम है वो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। तो भाई कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करते रहना है। स्टे विजिलेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस सच एज बैरोट्रॉमा, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स एंड हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वेंटिलेटर पर, जैसे कि बैरोट्रॉमा, न्यूमोथोरेक्स और कुछ हीमोडायनेमिक मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पेशेंट के जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी मॉनिटर करना है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो ये था भाई केयर जो हम वेंटिलेटर पर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।